क्या वायरस जो है दूध के पाउचेस हैं या समाचार जो पत्र की प्रेषित हैं उनके द्वारा क्या ये फैल सकता है, क्योंकि अभी ये है होम डिलीवरीज होंगी, सामान घर पहुंचाया जाएगा, तो वहां तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं? नहीं, जो थ्योरेटिकली बात करूं तो मैं आपको, वायरस किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस के थ्रू फैल सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे दूध हो, चाहे अखबार हो, चाहे कोई भी सामान आता है, ग्रोसरी हो, बट नॉर्मली ये देखा नहीं गया है। अगर ट्रांसपोर्ट चेन ठीक है, हम लोग हर जगह सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, इवन ठीक है, दूध का पैकेट लेने के बाद उसको धो लेते हैं, दवाई सब्जियों को साफ कर लेते हैं, अच्छे से पानी में निकाल लेते हैं, तो चांसेस बहुत कम है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, आप लोग इसका ख्याल रखें ताकि आप लोग एहतियात बरत सकें और संक्रमण ना फैले। आगे बढ़ते हुए एक खबर बता दें, बड़ी खबर, आगरा में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, वहां पर अब यहां 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। अब तक आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 84 पहुंच चुकी है और आगरा के जिलाधिकारी ने कोरोना के नए मरीज मिलने की पुष्टि कर दी है। तो आगरा में भी लगातार जो है कोरोना वायरस